आईएएस सोनमणि बोरा छत्तीसगढ़ कैडर के 1999 बैच के अफसर हैं। वे मूल रूप से असम के रहने वाले हैं। सोनमणि बोरा का जन्म माजुली द्वीप में हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सोनमणि बोरा का जन्म 1 अप्रैल 1976 को असम के नगांव जिले के पुरानी बस्ती गोदाम में हुआ था। उनके पिता का नाम जादव बोरा और माँ का नाम कराबी बोरा है। सोनमणि बोरा के पिता प्रख्यात पत्रकार, शिक्षक, लेखक और उपन्यासकार थे। उनका चयन सिविल सेवा में हुआ था, लेकिन साहित्य में रुचि के चलते कुछ समय सिविल सेवक की नौकरी कर उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। वहीं सोनमणि बोरा की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा असम के गुवाहाटी से ली है। उन्होंने 1993 में कॉटन स्कूल से कला स्ट्रीम से 12वीं बोर्ड में असम राज्य में टॉप किया, जिसके बाद वे ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली चले गए। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजमस कॉलेज से साल 1996 में स्नातक की डिग्री ली। फिर 1998 में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उन्होंने नेट जेआरएफ की परीक्षा भी क्वालिफाई की है। इसके बाद 1999 में सोनमणि बोरा ने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया। उन्होंने 20 सितंबर 1999 को आईएएस की सर्विस ज्वाइन की। उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में सहायक कलेक्टर के पद पर बतौर प्रशिक्षु आईएएस नौकरी की शुरुआत की। अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने पर उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर चुन लिया। छत्तीसगढ़ कैडर मिलने पर उनकी पहली पोस्टिंग दुर्ग जिले में हुई। यहाँ उन्होंने अविभाजित दुर्ग जिले में दुर्ग, साजा और बेमेथरा में एसडीएम के तौर पर काम किया। उन्होंने बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की कुर्सी भी संभाली। बता दें कि सिम्स मेडिकल कॉलेज पहले जीजीयू यूनिवर्सिटी के तहत आता था। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग और हॉस्टल की बिल्डिंग का निर्माण बोरा के कार्यकाल में ही हुआ। वे बिलासपुर में जिला पंचायत सीईओ के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ और रायपुर निगम आयुक्त का कार्यभार भी संभाला। सोनमणि बोरा छत्तीसगढ़ के सरगुजा, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, रायपुर और बिलासपुर जिलों के कलेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा वे बिलासपुर संभाग के कमिश्नर भी रहे हैं। सोनमणि बोरा कलेक्टर रहने के अलावा विभिन्न मंत्रालयों में भी सेवा दे चुके हैं। सोनमणि बोरा ने छत्तीसगढ़ राज्य के जनसंपर्क निदेशक, राज्यपाल के सचिव एवं संयुक्त सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर, श्रम आयुक्त एवं निदेशक, कर्मचारी बीमा सेवाएं, सचिव संसदीय कार्य विभाग के पदों पर भी पदस्थ रहकर सेवाएं दी हैं। 2016 में वे भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में सूचीबद्ध हुए। वे रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़, बास्केटबॉल संघ छत्तीसगढ़, फेंसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और भारतीय तलवारबाजी संघ दिल्ली के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अगस्त 2021 में उन्हें केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने संयुक्त सचिव भूमि संसाधन विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर 5 साल के लिए भेजा था, जहां से वे अपना डेपुटेशन पहले समाप्त कर लौट आए। बोरा ने 2018-19 मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटीजनशिप एंड पब्लिक अफेयर्स सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यूएसए में मास्टर्स के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है। सोनमणि बोरा के खाते में कई उपलब्धियां हैं। कवर्धा कलेक्टर रहते हुए जिले में गन्ना उत्पादन और चीनी कारखाने के प्रबंधन को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद दिल्ली से 2007 में उन्हें गौरव पुरस्कार भी मिला। जनगणना 2011 में बिलासपुर कलेक्टर रहते हुए शानदार काम के लिए वे राष्ट्रपति द्वारा रजत पदक से पुरस्कृत हुए। 2006 में कबीरधाम कलेक्टर रहते एक ही दिन यानी 4 सितंबर 2006 को जन भागीदारी से 11 घंटे में 37,41,133 पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वृक्षारोपण अभियान को वृक्ष मित्र महाअभियान का नाम दिया गया था। इसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यावरण, पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में लंबी सेवा के लिए वर्ष 2006-2007 का छत्तीसगढ़ बागवानी सोसाइटी की ओर से राज्यपाल द्वारा कुंवर युद्ध वीर सिंह पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए दिव्यांग और वित्त विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ राज्य चेन लाइनिंग एजेंसी 2016 और सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2017 के लिए लगातार 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बागवानी और वृक्षारोपण के लिए संगमित्रा रे पुरस्कार 2003 में मिला। बिलासपुर कलेक्टर रहते नरेगा योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
प्रधानमंत्री द्वारा स्क्रॉल ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला। कलेक्टर रायपुर के रूप में भी ये पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर रहने के दौरान हुडको पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को तीसरा ईपीसी विश्व पुरस्कार 2012 में मिला। कम लागत वाले आवास में विशेष योगदान के लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को एसोचैम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। सोनमणि बोरा ने समाज कल्याण विभाग में रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सर्वाधिक लोगों को अलग अलग जगहों पर योग करवाने पर विश्व रिकॉर्ड बनाया। नदी संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 7 फरवरी 2018 को तेल लैंप और 8 फरवरी 2018 को एक साथ सर्वाधिक लोगों द्वारा शंख बजाने का रिकॉर्ड बनाया गया। सोनमणि बोरा का विवाह 1998 बैच के भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा की अफसर दर्शनिता बोरा हलुवालिया से हुआ। उनकी पत्नी प्रतिनियुक्ति पर भोरम देव शक्कर कारखाने की MD, जांजगीर DFO व नरेगा आयुक्त रही थी। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें बड़ी सुदर्शनी है, फिर 2 बेटे माधवेश और दक्षेश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NPG न्यूज़।